Good morning, friends. A warm welcome to all of you to our new session of Engineering Gurukul. Technical Gurukul में आप लोग सबका स्वागत है. मैं श्रीकांत. शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज मैं आप लोगों के सामने विजय स्टेट जूनियर ट्रेनी के 2015 का पेपर के डिटेल एनालिसिस लाने वाला हूं कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, किससे कितने क्वेश्चन थे और डिटेल रूल भी कि कैसे आप लोगों को फॉलो करना है मैं बताने जा रहा हूँ. और कुछ बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, मैं कैसे डाउनलोड करें, इसके बारे में भी डिटेल आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है. और एक बात और है, आप लोगों के सामने मैं अपोलाइज चाहता हूँ कि मैं आप लोगों का ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया जूनियर ट्रेनिंग के इस एग्ज़ाम में, क्योंकि मेरे कुछ जॉब की प्रॉब्लम और कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से और हेल्थ इशू की वजह से भी मैं ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं कर पाया. सो ये जो रिमेनिंग कुछ दिन है, मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि एज मच एज पॉसिबल मैं जितना भी आप लोगों को हेल्प कर पाऊंगा मैं हेल्प करूंगा. एग्जाम की डेट ऑलरेडी डिसाइडेड हो चुके हैं, एग्जाम डेट 9 जुलाई को है. आई होप यू ऑल आर प्रिपेयरिंग वेल. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें, इसका एक शॉर्ट प्रीव्यू मैं दे देता हूं. एंड एंड ऑफ द वीडियो, जैसे ही वीडियो एंड होने वाला रहेगा उसके पहले मैं आप लोगों को वेबसाइट ओपन करके कैसे डाउनलोड करना है सारे प्रोसेस एक एक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है. सो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखें और मैं चलिए शुरू करते हैं. मैं एक शॉर्ट प्रीव्यू देता हूं. आप लोगों को करना क्या, सबसे पहले गूगल ओपन करना है. गूगल ओपन करने के बाद वहां जाके आप लोगों को विजय स्टील टाइप करना है. फिर करियर ऑप्शन में जाना है, वहां जाके आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है. करियर ऑप्शन में जाने के बाद लिंक होगा, लिंक से आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है. वहाँ पे डाउनलोडिंग ऑप्शन में आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, आफ्टर डेट ऑफ बर्थ और एक कैप्चा आएगा, कैप्चा फिलअप करना है और डाउनलोड कर लेना है. अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो एंड तक वीडियो को जरूर देखें और मैं वीडियो के एंड में आप लोगों को वेबसाइट ओपन करके कैसे डाउनलोड करना है सारे प्रोसेस डिटेल में बताऊंगा. तो चलिए शुरू करते हैं 2015 के विजय स्टील के ट्रेनी जूनियर ट्रेनी के जो इंग्लिश के पेपर थे उसका डिटेल एनालिसिस. तो क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 10 जो था, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक जो था वो तेलुगु का पेपर था. सो जो तेलुगु के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ठीक है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सभी को अटेम्प्ट करने हैं. जो तेलुगु के स्टूडेंट्स नहीं हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि ये सारे क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग इसे लीव मत करें. आप लोग कोई भी ऑप्शन आप लोगों को अगर लगता है कुछ भी है पढ़ तो जो पढ़ सकते हैं उसके लिए बहुत बेटर. जिसके लिए अंडरस्टैंडिंग नहीं है कोई ऑप्शन मार्क कर दे और मैं आप लोग अपने अनुसार से मैं पर्सनल रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सी ऑप्शन मार सकते हैं उसके लिए, ठीक है. और सी ऑप्शन 1 to 10 मार दीजिए, एक ऑप्शन मारिए पूरी में, ठीक है. मतलब सी मारे तो पूरी में सी मार दीजिए, ये आपका लक होगा. मैं बता रहा हूँ कुछ 2-3 क्वेश्चन आप लोगों के 10वीं से जरूर सही हो जाएंगे, ठीक है. इसे लीव मत करें क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ ना कुछ 1 to 10 में जरूर मार दे. नेक्स्ट जो होगा क्वेश्चन आप लोगों का 10 to 20 वो इंग्लिश सेक्शन होगा. आज मैं इसका डिटेल एनालिसिस आप लोगों को बता रहा हूँ. तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश सेक्शन के बारे में. जैसे मैंने पेपर में एनालिसिस किया, जो पेपर में इंग्लिश के जो पैटर्न है उनमें सिनोनिम्स जो है 2 क्वेश्चन आते हैं, सिनोनिम्स के एंटोनिम्स के 2 क्वेश्चन आते हैं, स्पॉटिंग एरर्स के 2 क्वेश्चन आते हैं और फिल इन द ब्लैंक के 4 क्वेश्चन आते हैं. टोटल इंग्लिश के जिससे 10 क्वेश्चन है. रीजनिंग सेक्शन में ऑलरेडी आप लोगों के सामने ला चुका हूँ मैं डिटेल, जो है रीजनिंग से क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में. बाकी टेक्निकल क्वेश्चन मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा और मैं दोस्तों विश्वास दिलाता हूं कि इंग्लिश रीजनिंग एप्टीट्यूड या तो जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है मैं इन 9 तारीख के अंदर में जितने ज़्यादा आप लोग को हेल्प कर सकता हूं जरूर करूंगा. और आप लोग मेरे साथ रहिए और विश्वास रखिए कि अगर मेरे साथ रहते हैं तो जरूर से जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी. तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं एनालिसिस और डिटेल क्या है. चलिए पहला क्वेश्चन जो था वो था, इन दिस क्वेश्चन आउट ऑफ दिस गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड. फर्स्ट जो है डिस्टिंक्शन, मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसमें कुछ कोडेक का कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मेरे ऑडियो नहीं आ पाई, इसलिए मुझे फिर से रिकॉर्डिंग करना पड़ रहा है. तो प्लीज डोंट माइंड. तो जो पहला था इसमें आप लोगों को क्या करना है कि सिमिलर मीनिंग, मतलब आप लोगों को सिनोनिम्स जो है वो बताना है, सिमिलरिटी जो है, समानार्थक जो है सब उसे निकालना है. तो पहला क्वेश्चन जो था वो था डिस्टिंक्शन का समानार्थक आप लोगों को लिखना है. कौन सा है इसमें आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन चूज करना है, बेस्ट ऑप्शन आप लोगों को चूज करना है. ये सारे ऑप्शन जो होंगे मिलते जुलते होंगे लेकिन डिस्टिंक्शन के सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वही आप लोगों को समानार्थक चूज करना है. तो डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन का मतलब आप लोगों को पता है कि डिस्टिंक्शन मतलब होता है डिफरेंस.
और डिफरेंस इन कंट्रास्ट बिटवीन द सिमिलर थिंग्स ऑफ पीपल्स, किसी पर्सन के किसी विचार भाव या थिंग्स की जो डिफरेंस होता है मत में, मतभेद होता है, उसे ही हम लोग कहते हैं डिस्टिंक्शन। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है वो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के बारे में आप लोग पता होगा कि डिफ्यूज लाइट के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने, जो साइंस के स्टूडेंट आप लोग जानते होंगे। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ समथिंग वेरी वाइडली, किसी चीज को वाइडली फैला देने को ही हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं, डिफ्यूज कर देते हैं। तो डिस्टिंक्शन का समानार्थ है तो डिफ्यूजन हुआ नहीं। दूसरा डिसएग्रीमेंट, मतलब एग्री नहीं हुए हम लोग किसी चीज से, उसे डिसएग्रीमेंट कहते हैं। और सॉरी, हाँ डिसएग्री, किसी चीज से एग्री नहीं हुए उसे डिसएग्री कहते हैं। एंड डिसएग्रीमेंट उसी का है, डिसएग्रीमेंट किसी चीज के एग्री नहीं हुए। तो उससे डिफरेंट जो है इसका समानार्थक वर्ड जो होगा डिफरेंट, यही सबसे सुटेबल है, इसलिए सही ऑप्शन जो है वो है डिफरेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर था उसमें भी आप लोगों को सिनोनिम से बताना है, समानार्थक बताना है इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट मतलब आप लोगों को पता होगा कि किसी चीज का इम्प्रूव करना, उसका आप लोग समझते हैं। प्रेफरेंस सबसे अच्छा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब आप लोगों को पता है कि किसी चीज को प्रेफरेंस देना, किसी चीज को मतलब अपना इच्छा जताना कि ये प्रेफरेंस देना, वो तो अभी इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं। प्रमोशन, प्रमोशन मतलब जो आप लोगों को पता होगा पदोन्नति जिसे कहते हैं उसे प्रमोशन। बेटरमेंट एंड एडवांसमेंट, ये दो ऑप्शन है, सिमिलर थिंग्स पता चल रहा है। इसमें बेटरमेंट जो है वो सबसे सुटेबल है, एडवांसमेंट जो है वो किसी चीज के होने के एडवांसमेंट, मतलब इसमें इम्प्रूवमेंट और एडवांसमेंट का ऑपोज, ये जो समानार्थक नहीं है इसका समानार्थक इम्प्रूवमेंट का बेटरमेंट ही सबसे सही ऑप्शन है, इसलिए सही आंसर जो होगा वो होगा बेटरमेंट। आप लोगों को ध्यान से देखना है बस, ठीक है, कि कौन सा सही एग्जैक्टली है वही आप लोगों को चूज करना है। देखिए इसमें चूज द वन विच इज एग्जैक्टली अपोजिट टू द गिवन वर्ड, इसमें आप लोगों को क्या करना है, इसमें एंटोनिम्स लिखना है जो है अपोजिट, मतलब विपरीत शब्द जिसे कहते हैं हिंदी में। तो इसका जो क्वेश्चन है वो है अलाइव। अलाइव का मतलब आप लोगों को पता हो, ए लाइव, अलाइव मतलब जिंदा, जिंदा का ऑपोजिट क्या होता है मुर्दा, तो इसलिए डेड होगा। फिर भी मैं आप लोगों को सारे ऑप्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। यहाँ ये पहला ऑप्शन जो है वो पैसिव, पैसिव का मतलब होता है जो एक्टिव नहीं है वो है पैसिव, विदाउट एक्टिव रिस्पॉन्स, मतलब कोई अगर एक्टिव रिस्पॉन्स ना करे तो उसे कहते हैं पैसिव। जो नीचे ऑप्शन है वो है अस्लिप, अस्लिप का मतलब होता है, अस्लिप जो है एडजेक्टिव या एडवर्ब में यूज होता है, आप लोगों को पता होगा अस्लिप होता है कि नॉट अटेंटिव, मतलब जो अटेंटिव नहीं है, अलर्ट नहीं है, या तो इनएक्टिव है, उसे ही हम लोग स्लिप कहते हैं। जो फोर्थ ऑप्शन है वो है ड्रॉजी, ड्रॉजी जो है मतलब आप लोगों को पता होगा स्लीपीनेस जिसे कहते हैं, या लेथार्जिक फीलिंग जो मतलब सोया सोया सा लगता है कि जैसे सो के उठा है, या तो हाफ स्लिप टाइप के, जो ये एक एडजेक्टिव है। तो अलाइव का जस्ट ऑपोजिट कौन सा है, उसका एंटोनिम्स कौन सा है डेड, सो सही आंसर जो है वो है डेड। यहाँ देखिए एनकरेज, एनकरेज का मतलब क्या होता है, उत्साहित करना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा आप लोगों को पता होगा, हतोत्साहित करना, तो इनकरेज का ऑपोजिट क्या होगा, डिस्करेज। फिर भी मैं आप लोगों को इसका ऑप्शन के बारे में जानकारी दे दूं। डैम्पन, डैम्पन का मतलब होता है किसी चीज को स्लाइटली वेट करना। बरसात के दिन चल रहे हैं आप लोग देखिएगा, बारिश होता है किसी किसी जगह पे घर के, क्या होता है बारिश की वजह से डैम्प हो जाता है, मतलब भीग जाता है, उसे डैम्पन कहते हैं। पर एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है कि इनकरेज के सेंस में यहाँ डैम्पन लिखा हुआ है, ये सब ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे वो डैम्प यूज नहीं होगा, ये किस सेंस में डैम्पन बोल रहा है कि आप लोग डैम्पन मतलब मेक लेस स्ट्रॉन्ग और लेस इंटेंसिव, मतलब जो आपके इंटेंस था इंटेंसिटी कम हो जाने के सेंस में ही डैम्पन कहते हैं, ठीक है। डिसअप्रूव मतलब अप्रूव नहीं करने को डिसअप्रूव कहते हैं, सही है। यहाँ पे वार्न, वार्न मतलब क्या होता है, चेतावनी देना, ठीक है। तो ये नहीं होगा, सही आंसर जो उसका होगा वो होगा आप लोगों को पता है डिस्करेज, ठीक है। नेक्स्ट जो है फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस है एरर ए बी सी इफ दिस आर नो एरर मार्क एज योर आंसर, मतलब यहाँ एक सेंटेंस दिया हुआ होगा आप लोगों के सामने, आप लोगों को उस सेंटेंस में बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। यहाँ देखिए सेंटेंस चार पार्ट में डिवाइडेड होगा, ठीक है, ए बी सी एंड डी। ए बी सी तो सेंटेंस का पार्ट होगा, अगर आप लोगों को लगे कि सेंटेंस में कहीं भी एरर नहीं है तो आप लोग डी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस आप लोग देख रहे हैं, सेंटेंस जो है कैन यू, देखिए कैन यू रिपेयर माई वॉच अंटिल ट्यूजडे, इस सेंटेंस में आप लोगों को देखना है एरर कहाँ है। यहाँ पे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूँ, ये याद रखने वाली बात है, ये आप लोग अगर नोटबुक हो तो नोट कर लीजिए आप लोग, कि अंटिल या यहाँ पे अंटिल ट्यूजडे नहीं होगा, अंटिल ट्यूजडे की जगह बाय ट्यूजडे होगा। तो अंटिल और बाय दोनों ही जो है किसी टाइम के बिफोर में किसी काम को कंप्लीट करने के सेंस को दर्शाता है,
किसी काम को कंप्लीट करना है किसी टाइम लिमिट के पहले, नॉट आफ्टर दैट को दर्शाता है, बट एक स्लाइटली डिफरेंस है अंटिल और बाय में। अंटिल जो होता है कहता है कि सिचुएशन की कंटिन्यूटी के बारे में बताता है कि हाउ लॉन्ग द सिचुएशन कंटिन्यू, इफ समथिंग हैपेंस अंटिल अ पर्टिकुलर टाइम यू स्टॉप डूइंग दैट आफ्टर बिफोर दैट टाइम, मीन्स कंटिन्यूटी को दर्शाता है उस टाइम लिमिट के पहले आप लोगों को वो काम को स्टॉप कर देना है, पर उस टाइम लिमिट के पहले तक वो काम कंटिन्यू था। कंटिन्यूटी दर्शाने के लिए हम लोग अंटिल के यूज करते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल के द्वारा आप लोगों को डाउट को क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि दे एग्जांपल दे लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस अंटिल July 5th, 2017। वो उस हाउस में July 5th, 2017 के, हाँ दोस्तों, तो वो ये सेंटेंस क्या दर्शाता है कि कंटिन्यू वो पर्सन July 5th, 2017 तक वो उस हाउस में रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा, वो एक डेडलाइन है, पर उसके पहले तक उसे कंटिन्यू रहना है, ठीक है। और एक चीज मैं बता दूं एंटिल के बारे में कि एंटिल जो है वो किसी सेंटेंस की नेगेटिविटी को भी दर्शाता है, जहाँ की अगर हम लोग वाय का प्रयोग करते हैं वो भी किसी टाइम लिमिट को दर्शाता है, लेकिन कंटिन्यूटी की कोई बात नहीं होती है कि कंटिन्यू हो उसे, ठीक है। ये एक स्लाइटली डिफरेंस है और क्वेश्चन आस्क्ड करने के लिए भी हम लोग बाय का यूज करते हैं। तो इस जो सेंटेंस में आप लोग देखिए कि क्या कैन मतलब क्या है कि क्वेश्चन सेंटेंस है, तो यहाँ पे बाय का यूज होगा क्योंकि क्वेश्चन का सेंटेंस है। और एक चीज यहाँ पे है कि क्या आप मेरी वॉच ट्यूजडे के पहले तक रिपेयर कर देंगे, तो ये क्वेश्चनेबल है। और सेकंड थिंग है कि ये कंटिन्यूटी को नहीं दर्शा रहा है कि आप आज से तब तक कंटिन्यू वॉच रिपेयर करते रहिए, ऐसा नहीं है। आप इस बीच में इन बिटवीन कभी भी रिपेयर कर दीजिए, पर डेडलाइन क्या है मेरा ट्यूजडे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे बाय का यूज होगा ना कि अंटिल का यूज होगा। आई होप आप लोग का डाउट क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, 6 किलोमीटर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। आप लोगों को ए बी सी या डी नो एरर में देखना है। तो आप लोग इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए, 6 किलोमीटर आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो एक चीज मैं इसके बारे में भी बता दूं, इम्पोर्टेंट चीज, आप लोग चाहे तो नोट कर ले, जितनी भी मैं आप लोगों को रूल्स बता रहा हूँ आप लोग नोट कर ले कि ये क्वेश्चन तो हो सके रिपीट ना हो, पर इससे मिलते जुलते अगर इस रूल से मिलते जुलते अगर कोई भी रिपीट हो तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो सॉल्व करने के लिए, ये एग्जाम ना हो, कोई भी एग्जाम हो, आप लोग अगर रूल याद रखते हैं तो कहीं भी आप लोग प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं आने वाले वीडियो में भी आप लोगों के सामने ऐसे ही क्वेश्चंस लाऊंगा जिसे आप प्रैक्टिस कीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ अगर आप मेरे साथ रहें, मेरे बताए हुए रूल्स और मेरे वीडियो को फॉलो करें तो आप लोग जरूर सक्सेसफुल रहिएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग का यथासंभव जितना हो सके एज सून एज पॉसिबल मैं आप लोग हेल्प करूंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखिए, यहाँ मैं बताना चाहूंगा कि डिस्टेंस अमाउंट और टाइम पीरियड के जो होता है ये हमेशा सिंगुलर होता है ना कि प्लूरल होता है। और आप लोगों को पता होगा सिंगुलर थिंग्स के लिए इज का यूज होता है ना कि आर का यूज होता है। तो यहाँ पे 6 किलोमीटर जो है वो सिंगुलर है ना कि प्लूरल है। किलोमीटर जो डिस्टेंस को शो कर रहा है वो सिंगुलर है, इसीलिए यहाँ पे इज ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा ना कि आर ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ और छोटी चीजें मैं और आप लोगों को बता दूं कि ना कि ओनली डिस्टेंस बट अमाउंट और टाइम पीरियड भी हम लोगों का सिंगुलर होता है। जैसे कि डिस्टेंस के सेंस में हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 30 miles इज अ लॉन्ग डिस्टेंस नॉट ए आर ए, मतलब 30 miles जो होगा इज ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा ना कि आर ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा, क्योंकि 30 miles जो है वो डिस्टेंस को शो कर रहा है, ये सिंगुलर है, इसलिए इज ए लॉन्ग डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट अगर अमाउंट की बात करें, अमाउंट भी हम लोगों का सिंगुलर होता है, जैसे कि $10 इज ए स्मॉल अमाउंट नॉट ए आर ए स्मॉल अमाउंट। $10 जो है या डॉलर जो है वो अमाउंट है, $10 वो इज ए स्मॉल अमाउंट होगा ना कि आर ए स्मॉल अमाउंट होगा, क्योंकि सिंगुलर थिंग्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा इज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो है मैंने बताया आप लोगों को कि टाइम पीरियड को भी रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हमेशा इस का प्रयोग करते हैं ना कि आर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड भी सिंगुलर है। इसी एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा कि 30 मिनट इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
इसमें 30 मिनट इज ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा, ना कि आर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होगा, क्योंकि 30 मिनट जो है ये सिंगुलर है ना कि प्लुरल है, इसलिए यहाँ पे इज का यूज होगा ना कि आर का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 जो होगा या से 20 जो होगा फिल इन द ब्लैंक्स होगा आप लोगों का। चार क्वेश्चन जैसे मैंने बताया फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे, तो चलिए देखते हैं इसे फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स के लिए मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा कि प्रीपोजिशन, ठीक है, वर्ब और आर्टिकल, ये चीजें आप लोग थोड़ी थोड़ी पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स में मैक्सिमम इन चीजों से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आर्टिकल और प्रीपोजिशन तो आप लोग मान लीजिए कि अगर कर लेते हैं तो बहुत हद तक आप लोग आसानी हो जाएगी। और मैं अपने आने वाले वीडियो में आर्टिकल, प्रीपोजिशन, वर्ब, इन सबसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद ए रूल मैं अपलोड करूंगा, आप लोगों को बहुत आसानी होगी। जरूर से जरूर वीडियो को फॉलो कीजिए, आप लोग देखिएगा कि एग्जाम हॉल में आप लोग विद कॉन्फिडेंट आप लोग सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन जो है, द पायलट हैड बीन वार्न अबाउट द स्टॉर्म बिफोर ही। पायलट ने वार्न किया अबाउट द स्टॉर्म बिफोर ही, क्या होगा यहाँ पे सही आंसर? तो इस क्वेश्चन के लिए मैं एक चीज बता दूं कि आप लोगों को फ्रेजल वर्ब की थोड़ी जानकारी होनी जरूरी है। फ्रेजल वर्ब की एक लिस्ट भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, आप लोग उसे भी मार्क कर लीजिए। तो देखिएगा फिल इन द ब्लैंक्स, देखते ही आप लोग सॉल्व कर पाइएगा। ठीक है, तो फ्रेजल वर्ब यहाँ पे देखिए यूज करना है। तो सबसे पहला ऑप्शन जो है टुक अवे। तो टुक अवे जो है, मैं एक चीज बता दूं, टुक अवे जो है पास्ट टेंस है टेक अवे का। तो टुक अवे जो है हमेशा यूज किया जाता है रिमूव करने के सेंस में, किसी चीज को हटाने के सेंस में। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, द सोल्जर्स टुक द कैप्टिव अवे, मतलब किसी कैप्टिव को दूर हटा दिया। ठीक है, हटाने के सेंस में। तो यहाँ पे तो हटाने का कोई बात है नहीं, फ्लाइट को टेक ऑफ करना है, ठीक है, फ्लाइट को उड़ान भरना है, तो वहां पे हटाने का ऑप्शन तो होगा नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। सेकेंड जो है टुक अप, जो टुक अप है ये भी टेक अप का पास्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा टेक अप जो है, ये बहुत सारे सेंस में यूज किया जाता है, जैसे कि बीइंग ए न्यू हॉबी, किसी न्यू हॉबी को अडॉप्ट करने के लिए, किसी चीज को सपोज कीजिए अभी नहीं बाद में डिस्कस करना है तो टेक अप लेटर, किसी को बाद में डिस्कस करते हैं उसमें टेक अप की यूज किया जाता है। किसी चीज को, किसी प्लेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, किसी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए भी हम लोग टेक अप का यूज करते हैं। ठीक है, तो आप लोग सुना होगा कि किसी को टेक अप कर लेना, किसी चीज को ऑक्यूपाई कर लेना, उसके लिए भी हम लोग टेक अप का यूज करते हैं। तो यहाँ पे तो ऑक्यूपाई करने की कोई बात है नहीं, इसलिए यहाँ पे टुक अप होगा नहीं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है टुक ओवर। टुक ओवर जो है, आप लोगों को बता दो, टुक ओवर जो है टेक ओवर का फास्ट है। और टुक ओवर जो है, टेक ओवर आप लोगों को पता होगा, किसी चीज को अपने कंट्रोल में लेने के सेंस में हम लोग उसे टेक ओवर या टेक ओवर यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं दे दूं, ही इज गोइंग टू टेक ओवर द फैमिली बिजनेस, वो अपने फैमिली बिजनेस को टेक ओवर करने जा रहा है। ठीक है, तो मतलब अपने बिजनेस को कंट्रोल में लेने जा रहा है, किसी चीज को कंट्रोल में लेने के सेंस के लिए हम लोग उसे टेक ओवर यूज करते हैं। तो इसमें कंट्रोल में लेने की तो कोई बात है नहीं, इसलिए ये भी ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट ऑप्शन जो है टेक ऑफ या टुक ऑफ, ये हमेशा हम लोग फ्लाइट के लिए यूज करते हैं। एक चीज बता दूं, टेक ऑफ और टुक ऑफ, जब भी किसी प्लेन और रॉकेट को लीव किया जाता है ग्राउंड से, तो हम लोग उससे टेक ऑफ या टुक ऑफ यूज करते हैं, पास्ट टेंस में टुक ऑफ। ठीक है, आई होप आप लोगों को डाउट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन। इसमें भी आप लोगों को फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करना है। जैसे वी ऑफन डिसीव, ऑप्शन ये है। तो सबसे पहले है वी ऑफन, मतलब ऑफन का मतलब क्या है कि हमेशा, मतलब मोस्टली। डिसीव का मतलब होता है कि धोखा देना, हम लोग मोस्टली धोखा देते हैं। किसे धोखा देते हैं? खुद को। वी ऑफन डिसीव किसको? खुद को। तो खुद को धोखा देने के लिए दो ऑप्शन आता है यहाँ पे, आवरसेल्व्स या आवरसेल्व। तो आप लोग के मन में डाउट होगा कि सर आवरसेल्व्स क्यों आपने चूज किया, आवरसेल्व क्यों नहीं चूज किया? तो इसके लिए मैं एक चीज बता दूं, आवरसेल्व्स जो है ये प्लुरल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, ये किसी चीज को एम्फेसिस देने के लिए जब भी हम लोग यूज करते हैं तो आवरसेल्व्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्पेशली एम्फेसिस दे रहे हैं कि वी मोस्टली जो है हम लोग अपने आप को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग, मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं। तो इन सब बातों को खुद को धोखा दे रहे हैं। ठीक है, ये मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंसियरली पढ़ाई कर रहा हूँ, पर कुछ भी नहीं पढ़ा।
तो ये सब बातें जो है ourselves, क्योंकि ourselves जो है हमेशा emphasis देने के लिए यूज होता है, इसलिए यहाँ ourselves हुआ। और एक चीज मैं ourselves के बारे में बता दूं, आप लोग चाहे तो नोटबुक में नोट कर ले, ये ourselves जो है एक्चुअली में ग्रामेटिकली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि ourselves का यूज हमेशा एरोगेंसी को दर्शाने के लिए यूज होता है। किसी को एरोगेंसी को दर्शाना हो, कोई किंग हो या रूलर हो, मैं ही हूं जो हूं, तब ourselves यूज किया जाता है। और एक मैं ग्रामेटिकली आपको बता दूं, ourselves जो है एक्चुअली करेक्ट नहीं है ग्रामेटिकली, क्योंकि ourselves में आप लोग देखिए our और self दो चीजों से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें self जो तो सिंगुलर है पर our जो है वो प्लूरल है। एक साथ सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो नहीं सकता है, इसलिए ourselves जो है करेक्ट वर्ड नहीं है। ourselves की जगह आप लोग हमेशा oneself को यूज कर सकते हैं, ठीक है। oneself को हमेशा आप लोग ourselves की जगह प्रेफरेंस दीजिएगा, क्योंकि ourselves एरोगेंसी को दर्शाता है, ठीक है। तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि ourselves क्या होगा, क्योंकि emphasis की बात है, ourselves तो हो नहीं सकता है, इसलिए सही आंसर जो है वो है ourselves। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन है उसमें लिखा है, इफ यू टेक टू मैनी स्वीट्स यू कैन फेल ऑल इल, मतलब अगर आप बहुत ज्यादा स्वीट्स लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो बीमार कब पड़ जाओगे, मतलब ये फ्यूचर को दर्शा रहा है। तो फ्यूचर को दर्शाने के लिए आप लोगों को पता है कि फ्यूचर टेंस का यूज होता है, तो यू के साथ हमेशा विल यूज होता है, आई के साथ सेल यूज होता है। तो यहाँ सेल तो होगा नहीं क्योंकि आई नहीं है, यू है तो हमेशा विल यूज होगा, ठीक है। और विल का पास्ट टेंस जो होता है वो वुड होता है, पास्ट टेंस नहीं है, ये फ्यूचर टेंस है इसलिए विल होगा। और वन थिंग मोर मैं बता दूं आप लोगों को कि शुड का यूज हमेशा किसी चीज को मतलब करना ही है, मतलब बाध्यता के लिए शुड का यूज किया जाता है। तो इसमें तो आप लोगों को सजेशन दे रहा है, इसलिए बाध्यता की बात है नहीं, इसलिए इसका सही आंसर जो होगा वो विल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सी इज सिक डैश इन ट्रैफिक, तो ट्रैफिक में वो सिक हो जाएगा, तो यहाँ आंसर क्या होगा, सी इज सिक ऑफ ट्रैफिक, ऑफ ड्राइविंग ट्रैफिक, मतलब ड्राइविंग अगर वो ऑफ ड्राइविंग ट्रैफिक मतलब वो बीमार है, सी इज सिक मतलब बीमार है ट्रैफिक में ड्राइविंग करने के लिए। तो सही आंसर क्या होगा, ऑफ ड्राइविंग, ठीक है, इन ट्रैफिक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ड्राइविंग सिर्फ होगा नहीं, टू ड्राइविंग नहीं होगा नहीं, और एट ड्राइविंग तो हो नहीं सकता है। तो सही आंसर जो है उसका ऑफ ड्राइविंग इन ट्रैफिक होगा, ठीक है। तो दोस्तों अगर मेरे आपको आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मैं आने वाली वीडियो में आप लोग के लिए जितना भी हो सके स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूंगा, और मैं विश्वास करता हूँ अगर आप लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो जरूर से जरूर आप लोग को बहुत हेल्प होगा। और मैं इंग्लिश की वीडियो, रीजनिंग की वीडियो, एप्टीट्यूड का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, जो भी सेक्शंस हो आप लोगों को एज मच एज पॉसिबल प्रोवाइड करूंगा। आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करते जाइए, जरूर आप लोगों को सफलता मिलेगी। और दोस्तों जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारे दोस्तों को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ वेबसाइट ओपन करने के साथ कि आप लोगों को कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से आप लोगों को करना है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरह से। हाँ तो दोस्तों आप लोगों का क्या करना है कि सबसे पहले गूगल सर्च में जाना है, www.google.co.in पे आप लोगों को लॉगिन करना है। उसके बाद जाके गूगल सर्च में आप लोगों को वाइजेक स्टील डालना है, ठीक है। जैसे ही वाइजेक स्टील आप लोग डालिएगा, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है वाइजेक स्टील का, यहाँ आप लोगों को क्लिक करना है। कुछ नहीं, आप लोगों को किसी साइट के किसी मीडियम के थ्रू नहीं जाना है, आप लोग डायरेक्ट साइट के थ्रू जाइए। आप लोगों को मैं यही रिकमेंड करूंगा क्योंकि सही ऑथेंटिकेशन जो है उसके खुद की वेबसाइट में ही है। तो आप लोग किसी वाया मीडिया के थ्रू मत जाइए, डायरेक्ट गूगल में जाके वाइजेक स्टील टाइप कीजिए। टाइप करने के बाद जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कीजिएगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए क्लिक करने के बाद आप लोगों को ऐसे पेज ओपन होगा। पेज ओपन होने के बाद आप लोगों को देखिए यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे करियर ऑप्शन है, जैसे आप लोग देख रहे हैं करियर ऑप्शन पे आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग करियर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, देखिए मैंने क्लिक किया है, आप लोगों के ये पेज करियर का ऑप्शन का ओपन हो जाएगा। यहाँ देखिए आप लोगों को दिखा रहा है लिंक टू डाउनलोड, देखते हैं कि आप लोग देख रहे हैं, ये आप लोगों का लिंक है डाउनलोड करने का, लिंक टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ट्रेनी एंड फील्ड असिस्टेंट ट्रेनी शैल बी प्रोवाइडेड 6/7/2017 इवनिंग ऑनवर्ड, ठीक है। जैसे कि पहले लिखा था 5 तारीख को, लेकिन अभी उन्होंने डेट चेंज कर दिया है, मतलब कल इवनिंग, कल शाम के बाद आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं।
यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोगों का एक पेज ओपन होगा, उस पेज में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर जो था, जो आप लोग फॉर्म फिलअप के टाइम आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था वो फिलअप करना है, साथ में आप लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, वही डेट ऑफ बर्थ जो आप लोगों ने फिलअप किया था फॉर्म फिलअप के टाइम, और साथ में नीचे कैप्चा आएगा, आप लोग कैप्चा को फिलअप कर दीजिए और वहाँ पे जैसे ही आप लोग एंटर कीजिएगा आप लोगों का ओपन होना डाउनलोड हो जाएगा, फॉर्म डाउनलोड का ऑप्शन आएगा डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को प्रिंट ले लेना है, उसका ब्लैक एंड व्हाइट ले सकते हैं, कलर ले सकते हैं, कोई मैंडेटरी नहीं है कलर का। एक चीज प्रिंट आउट निकालने के बाद आप लोगों को ध्यान रखना है कि अगर आप लोगों का फोटो पिक्चर जो है आप लोगों का जो फोटो क्लियर नहीं आया है तो आप लोग जो फोटो आप लोगों ने अपलोड किया था टाइम पे, मतलब फॉर्म फिलअप के टाइम पे, उसके दो कॉपी आप लोग जरूर साथ में ले जाएं। साथ में आप लोगों को जो ले जाना है वो आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, इनमें से कोई भी, या तो ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी प्रूफ, कुछ भी आप लोग ले जाइए साथ में, ओरिजिनल नॉट ए जेरोक्स। आप लोगों को नहीं तो बहुत परेशानी हो जाएगी उस वक्त। सारी चीजें आप लोग पहले से रख लीजिए, एडमिट कार्ड पे जो एड्रेस लिखा है एक दिन पहले जाके आप लोग वेरीफाई कर लीजिए, देख लीजिए सेंटर कौन सा है, साथ में ब्लैक बॉल पेन ले जाना, दो सेट मत भूलिएगा, और आप लोगों को कुछ लेके नहीं जाना है, कोई वॉच पहन के मत जाइएगा, कैप पहन के मत जाइएगा, ठीक है, कोई भी मोबाइल फोन लेके मत जाइएगा क्योंकि बहुत जगह मिसप्लेस हो जाता है। आप लोगों को बहुत जरूरी हो तो फोन पे ले जाइए, आप लोग कैरी कीजिए, ठीक है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए और मेरे बताए हुए गाइडेंस से चलिए और मेरी वेबसाइट को फॉलो कीजिए। आई होप आप लोग कोई परेशानी नहीं होगी, और 9 तारीख तक मैं जितना हो सके आप लोगों का हेल्प करूंगा, और जो भी आप लोगों को परेशानी हो मेरे को जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और एक चीज मैं और एक बार आप लोगों से सही में माफी चाहूंगा कि मैं आप लोगों का सही तरीके से हेल्प नहीं कर पाया मेरी परेशानी की वजह से, जैसे कि मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था पर सही से मैंने आप लोगों को हेल्प नहीं कर पाया, सो इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो जितने दिन बचे हैं मैं जितना हो सके आप लोगों को हेल्प करूंगा, और आप लोगों को अगर मेरा पसंद आया वीडियो तो जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें, और मेरे साथ जरूर जुड़े रहें और जरूर सफलता पाएं। बेस्ट ऑफ लक फॉर यू ऑल।